श्री कृष्ण के 10 ऐसे रहस्यमय चमत्कार जिन्हें देखने के बाद आप भी बस यही कहोगे राधे राधे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ले चलिए जानते हैं, निधिवन में श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। आओ जानते हैं इस अचरक भरी बातों का रहस्य। नंबर एक, निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की तातू, पान का बिड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन फिर भी आश्चर्य की 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलाता है। नंबर दो, कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने देखा नहीं। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। नंबर तीन, रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता है। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। नंबर चार, शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। नंबर पाँच, यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गादी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातून के साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। नंबर छह, सबसे आश्चर्य की बात यह भी कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद। नंबर सात, जनश्रुति है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंगमहल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंगमहल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रख कर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। नंबर आठ, कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। नंबर नौ, इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। यह भी जनश्रुति है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियां बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूनम पर निधिवन में होती है विशेष रासलीला। लेकिन नंबर 10, यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं है और जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। राधा रानी के भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। राधे राधे।